हेलो स्टूडेंट्स, लर्न विद कॉन्सेप्ट्स की नई क्लास में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। तो क्लास नाइन्थ में आप ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं वर्ड क्यूब, कॉन, सिलेंडर और स्पीयर, और स्पीयर का हाफ होता है हेमिस्फीयर। और इन फिगर्स को आप अपनी डेली लाइफ में भी जरूर देखते होंगे कि जैसे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो इन्हीं फिगर्स के कॉम्बिनेशन से बनी हुई है, ऑयल टैंकर्स हैं जैसे, या टेस्ट ट्यूब है, तो ये इन्हीं फिगर के कॉम्बिनेशन की। क्लास टेंथ के चैप्टर 12 में हम स्टडी करेंगे इन फिगर्स का ही सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना। तो अपने आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली फिगर कौन सी है? क्यूबॉइड। क्यूबॉइड को आप अगर इस फिगर को ना देखकर अगर आप अपने रूम को देखेंगे तो मोस्टली रूम क्या होते हैं, मोस्टली रूम्स होते हैं क्यूबॉइड या क्यूब फॉर्म के। तो क्यूबॉइड और क्यूब में डिफरेंस क्या है? क्यूबॉइड का जो बेस होता है वो रेक्टेंगल होता है, कि जैसे आप अपने रूम को ऑब्जर्व करेंगे अगर उसकी सामने वाली साइड इक्वल है, कि ये साइड इस सामने वाली साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस वाली साइड के इक्वल है, तो ये क्या हुआ? रेक्टेंगल हुआ। यहाँ पर ये चार साइड होती हैं रूम में, और ये एक ऊपर ये छत और एक ये जमीन, तो छह साइड। इनको हम साइड ना बोलकर यहाँ पर बोलेंगे कि क्यूबॉइड के छह फेस हैं। क्यूबॉइड क्या होता है? क्यूबॉइड का बेस होता है रेक्टेंगुलर। अगर रेक्टेंगुलर बेस है तो हम उसको कहेंगे क्यूबॉइड। तो ये जो रूम है या आपका जो रूम है, अगर उसके आमने और सामने की साइड इक्वल हैं तो वो क्या होंगे? क्यूबॉइड। आमने सामने साइड का मतलब ये है कि ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये साइड इस साइड के इक्वल है और ये छत जमीन के इक्वल है, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं है, कि ये जो छत है ये इस वाली साइड के इक्वल नहीं है या इस वाली साइड के इक्वल नहीं है, तो ये क्या हुआ? क्यूबॉइड। और सेकेंड हम क्यूब की बात करें, और तो क्यूब का बेस क्या होता है? स्क्वायर। कि अगर आपका रूम क्यूब बेस का है तो उसकी सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होंगी, या अगर आपने वो जो क्यूब देखा होगा जो आता है उसकी सारी साइड एक दूसरे के इक्वल होती हैं, तो वो क्या है कि उसमें भी छह ही फेस हैं, तो वो क्या है? क्यूब। अब इनके कुछ फार्मूलेज हैं, लेकिन उन फार्मूलेज को याद करने से पहले आपको समझना होगा कि इसमें कुछ टर्म्स आएंगे कि बेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया और लेटर सरफेस एरिया। तो इनमें डिफरेंस क्या होता है? अगर आप बेस एरिया की बात करें तो एरिया होता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट में। एरिया होता है किसका? होता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का। टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का मतलब है कि आपका कोई ग्राउंड है तो वो क्या होगा? या तो रेक्टेंगुलर शेप में होगा, या स्क्वायर शेप में होगा, या सर्कुलर शेप में होगा। तो उसका क्या होगा कि बेस के लिए उसकी एक तो लेंथ होगी और एक ब्रेड्थ होगी। अब ग्राउंड अगर खाली ग्राउंड है तो उसकी हाइट नहीं हो सकती, तो ये क्या है? टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। तो इसका हम क्या निकालेंगे? इसीलिए हम रेक्टेंगल का क्या निकालते हैं? एरिया। स्क्वायर का क्या निकालते हैं? एरिया। सर्कल का क्या निकालते हैं? एरिया। और अगर इसमें साथ ही साथ इसमें अगर हाइट भी जुड़ जाए, कि जैसे लेंथ भी है, ब्रेड्थ भी है और हाइट भी है, तो वो क्या होगा? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। और थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट का एग्जांपल अभी मैंने आपको दिया है क्यूबॉइड, क्यूब, तो ये क्या है? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। कि जैसे कौन, तो ये क्या है? थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। तो एरिया होता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, और सरफेस एरिया होता है थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के लिए, कि जैसे क्यूबॉइड, क्यूब, कौन, इनके लिए सरफेस एरिया होता है। अब कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया में क्या डिफरेंस होता है? लेटरल सरफेस एरिया की डेफिनेशन सेम ही होगी, कि मान लीजिए ये जो रूम है, तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब है कि जो इसके छह फेस हैं, तो ऊपर वाले और नीचे वाले फेस का अगर हम एरिया नहीं निकालते हैं तो वो क्या आएगा? और जो बाकी के चार फेस हैं हमें सिर्फ उनका एरिया निकालना है, तो ये होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है कि लेटरल सरफेस एरिया यूज होता है क्यूबॉइड के लिए, क्यूब के लिए, कि जहां पर जो फिगर है वो कर्व नहीं है, और कर्व सरफेस एरिया होगा जहां पर फिगर कर्व है, कि जैसे कोन, सिलेंडर, हेमिस्फीयर, तो इनके लिए कौन सा सरफेस एरिया यूज होगा? कर्व सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया यूज होगा कि जो नॉन कर्व ऑब्जेक्ट है, कि जैसे क्यूबॉइड, क्यूब। तो इतना इन दोनों में
डिफरेंस है कि लेटर सरफेस एरिया यूज होता है नॉन कर्व ऑब्जेक्ट की जैसे क्यूबर्ड और क्यूब के लिए, और कर्व सरफेस एरिया यूज होता है कर्व ऑब्जेक्ट के लिए कि जैसे कोन, सिलेंडर और हेमिस्फीयर। टोटल सरफेस एरिया क्या होगा कि इस रूम का अगर हम टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे तो 6 के 6 फेस का जब हम एरिया निकालेंगे तो वो होगा टोटल सरफेस एरिया। तो इतना सा डिफरेंस है टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया या लेटर सरफेस एरिया में, कि कर्व्ड और लेटर सरफेस एरिया में हम ऊपर वाले और नीचे वाले फेस का एरिया इंक्लूड नहीं करते हैं, टोटल सरफेस एरिया में हम सारे फेसेस का एरिया इंक्लूड करते हैं, तो वो होता है टोटल सरफेस एरिया। बेस एरिया क्या होता है कि अब जैसे मान लीजिए यार कई बार इसमें क्वेश्चन में आएगा कि भाई कौन दिया हुआ है उसका बेस एरिया निकालना है आपको, तो कौन का बेस क्या होता है सर्कुलर, तो हमें एरिया और सर्कल का फार्मूला यूज करना है। और क्यूबॉइड का बेस एरिया क्या होगा, क्यूबॉइड का बेस क्या होता है रेक्टेंगल, तो उसका होगा लेंथ इनटू ब्रेथ।